बिग बॉस 13 के घर में हो रही लड़ाइयों के बीच सिद्धार्थ शुक्ला और जैस्मिन भसीन की दोस्ती को लेकर भी कई सारे सवाल उठने लगे हैं। दरअसल जिस तरह से रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाई के बाद जैस्मिन ने सीधा सिद्धार्थ का साथ दिया है, उससे फैंस हैरान थे। लेकिन अब ये खुलासा हुआ है कि सिद्धार्थ और जैस्मिन की दोस्ती टूटने की वजह रश्मि देसाई ही रही हैं। जी हाँ, खुलासा हुआ है कि इनकी दोस्ती रश्मि की वजह से टूटी। दरअसल जैस्मिन, रश्मि और सिद्धार्थ ये तीनों ही शो दिल से दिल तक में साथ काम कर चुके हैं। इस शो के दौरान ही ये तीनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। बात जहाँ तक रश्मि और सिद्धार्थ की है तो इनकी जोड़ी जितनी ऑन स्क्रीन पसंद की जाती थी उतना ही ऑफ स्क्रीन ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों के बीच काफी बुरा झगड़ा हुआ जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हुआ। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि रश्मि की वजह से ही सिड और जैस्मिन की दोस्ती में फूट पड़ी। दरअसल जिस दौरान रश्मि और सिद्धार्थ अलग हुए उस दौरान जैस्मिन और सिड काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन अब सवाल उठता है ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जैस्मिन और सिद्धार्थ की ये दोस्ती टूट गई और इसकी वजह रश्मि कैसे बनी, तो सुनिए। दरअसल सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है कि अपने और सिद्धार्थ के झगड़े के बाद सिद्धार्थ के खिलाफ जैस्मिन के कान भरती थी रश्मि, और जब ये बात सिद्धार्थ को पता चली तो उनकी दोस्ती में फूट पड़ गई। खबर के मुताबिक सिड और रश्मि के एक कॉमन दोस्त ने ये खुलासा हाल ही में किया था कि दिल से दिल तक के मेकर्स चाहते थे कि रश्मि देसाई ये शो छोड़ दें, लेकिन सिड ने रश्मि की बजाय ये शो छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वो उस वक्त फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रही थी। ऐसे में शो की मेन कास्ट को लेकर मेकर्स ने वोटिंग कराई। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट के मुताबिक सेट पर काम करने वाले सभी से पूछा गया कि क्या वो सिड को शो में रखना चाहते हैं या फिर रश्मि देसाई को। तो ऐसे में जहां बाकी सब लोगों ने रश्मि का साथ दिया तो जैस्मिन ने भी सिड की बजाय रश्मि को ही चुना। बस इसी बात से दोनों की दोस्ती में दरार डल गई और कहीं ना कहीं रश्मि इनकी दोस्ती टूटने की वजह बनी। स्पॉट बॉय को सूत्रों ने बताया है कि जैस्मिन भसीन भी उस मीटिंग का हिस्सा थी जिसमें सिद्धार्थ के खिलाफ वोटिंग हुई। जैस्मिन ने यहां सिद्धार्थ के ऊपर रश्मि को चुना और इस बात को बैकस्टैबिंग की जैसा लिया था सिद्धार्थ ने, क्योंकि वो जैस्मिन को अपने काफी करीब मानते थे। उन्हें उम्मीद थी कि जैस्मिन उनके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगी और इस मामले पर न्यूट्रल रहेंगी, लेकिन जैस्मिन ने यहाँ रश्मि का साथ दिया। हालांकि अब सब कुछ बदल सा रहा है। दरअसल जैस्मिन अब मानती है कि उनके और सिड की गलतफहमी जल्द दूर हो जाएगी। तो क्या यहाँ जिस गलतफहमी की बात जैस्मिन ने की है वो रश्मि देसाई है? वल अब जैस्मिन, रश्मि और सिद्धार्थ के मुद्दे पर जिस तरह से सिद्धार्थ के साथ खड़ी नजर आ रही हैं, उससे साफ है कि वो सिड के साथ अपनी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रही हैं। देखना रहेगा कि सिद्धार्थ और जैस्मिन की दोस्ती क्या आगे हो पाएगी।